हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट वित्त विषय में। और आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में फ्रेंड्स हम डिस्कस करेंगे आपके संधि के बारे में, संधि विच्छेद के बारे में, और एक ऐसी ऑसम ट्रिक बताई जैसे कि फ्रेंड्स आप शब्द को देख के ही बता दोगे कि ये कौन सी संधि है। ये पूरी जो ट्रिक है फ्रेंड्स बेस्ड ऑन है आपके स्वर संधि के ऊपर। तो चलिए फ्रेंड वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। पिछले कई सारी वीडियो का आपका बहुत सारा प्यार मिला, काफ़ी सारे व्यूज़ आए और लगातार शेयरिंग और आपकी तरफ से लाइक और सब्सक्राइब बढ़ते गए। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ और इसी तरीके से आपके प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं कोशिश करता हूँ कि अपना एक बेस्ट परफॉर्म अपने हर एक वीडियो में दें। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियो में जैसा कि मैंने बताया था कि यूपी पीसीएस 2018 और वीडियो का जो एग्ज़ाम हमारे नज़दीक है उससे रिलेटेड मैं डेली आपको एक से दो वीडियो प्रोवाइड करता रहूँगा। फ्रेंड्स हिंदी के कम से कम दो तीन वीडियो आपको मिल चुके हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक भी मिल जाएगा। और तो चलिए फ्रेंड इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक हम्बल रिक्वेस्ट आप सभी से, जो व्यूवर्स हमको पहली बार देख रहे हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि अपकमिंग वीडियो की सारी अपडेशन आपको मिलते रहे। लगातार एग्जाम के पहले जो भी नया एग्जाम होते हैं फ्रेंड्स मैं क्रैश कोर्स स्टार्ट करता हूँ और उससे रिलेटेड हर टेस्ट सीरीज से लेकर हर चीज़ प्रोवाइड करता हूँ। तो वीडियो को अभी भी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपको हमेशा कंटिन्यू सबसे पहले मिलते रहे। चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले मैं डिस्क्राइब करूंगा आपके संधि के बारे में। संधि के जो भेद हैं, जो आप कह सकते हो कि प्रकार हैं, तीन संधियां हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। और इस वीडियो में पूरी ट्रिक जो भी अपडेट कवर करूँगा वो स्वर संधि से लेके है। तो चलिए थोड़ा सा इसका जो डिफिनीशन है वो मैं डिस्कस कर लेता हूँ आपको। ये है फ्रेंड्स स्वर संधि, दो स्वरों के मेल से जो परिवर्तन या विकार उत्पन्न होता है उन्हें स्वर संधि कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, स्वर संधि के जो भेद होते हैं वो पांच प्रकार के होते हैं। सारे भेद को मैं कंटिन्यू बारी बारी से आपके साथ डिस्कस कर ले रहा हूँ। थोड़ा सा पीपीटी को मैं जूम करता हूँ। दीर्घ संधि, गुड़ संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि, अयादि संधि। फ्रेंड्स इस वीडियो को मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ लेकिन उसमें बेसिक तरीके से बताऊँ, वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, और इस वीडियो में मैंने पूरी ट्रिक बताई है क्योंकि थोड़ा सा कम टाइम रहता है इसलिए आप शब्द को देख के ही आराम से 2 से 3 सेकंड के अंदर तुरंत बता दोगे कि कौन सी संधि है। तो चलिए बारी बारी से सारी चीज़ों को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो आपकी संधि है वो होती है दीर्घ संधि। फ्रेंड्स दीर्घ का मतलब ही होता है बड़ा, आपको कुछ नहीं करना है, शब्द में सिर्फ देखना है आपकी बड़ी मात्रा। फ्रेंड्स 90 to 95% इसके आने के चांस रहते हैं और यही ट्रिक के अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। लास्ट में मैंने लगभग 10 से 11 क्वेश्चन भी करवाए हैं जिसको देख के आपको लगेगा कि फ्रेंड्स ये वीडियो जो आपका है बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो फ्रेंड्स जो ट्रिक है हमारा शब्द में बड़ी मात्रा का होना है, जैसे आ ई ऊ, आपको उदाहरण के तौर पे मैं समझा रहा हूँ उसको, उदाहरण के तौर पे बताता हूँ। जैसे स्वार्थी, ठीक है फ्रेंड्स, ये जो वा वर्ड है यहाँ पे बड़ा आ का मात्रा, रामावतार है इसमें आ की मात्रा, सूर्यास्त या में आपकी बड़ी मात्रा का होना, परीक्षा में बड़ी ई की मात्रा होना, तो जो भी वर्ड है जो भी आपकी मात्रा है वो बड़ी मात्रा का होना। यहाँ से आप देख सकते हैं फ्रेंड्स जो ट्रिक है आपकी शब्द में बड़ी मात्रा का होना। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप कि ये समझ में आया होगा आपको दीर्घ संधि। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, जो गुड़ संधि है, गुड़ स्वर संधि, इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपको पूरे शब्द में ये चीज़ जरूर मिलेगी, ए की मात्रा और ओ की मात्रा। ठीक है फ्रेंड्स, ये लगी होगी तो आप देखते ही सीधा गुड़ स्वर संधि पे टिक करेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर मैंने इसमें दिखाया है फ्रेंड्स, यहाँ से आप देख सकते हैं महेश में ए की मात्रा है, परोपकार में ओ की मात्रा है, महोदय में ओ की मात्रा है, विरोदय में ओ की मात्रा है। तो यहाँ से आप डायरेक्टली आप इसको टच कर सकते हैं गुड़ स्वर संधि। फ्रेंड्स वीडियो के लास्ट में मैंने जो सारे 10 से 11 क्वेश्चन करवाया उसको देख के आपकी हर चीज़ कंफर्म हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप कि ये भी ट्रिक आपको समझ में आएगी। पॉइंट नंबर 3 पे है आपकी वृद्धि स्वर संधि। फ्रेंड्स इसमें जो बेसिक चीज़ है वो चीज़ मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, आपने पढ़ा भी होगा लेकिन इसमें ट्रिक बताना है आपको इसलिए मैं डायरेक्टली ट्रिक को डिस्कस किया हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो दो मात्राएं लगी होंगी। ठीक है फ्रेंड्स, दो मात्रा अभी यहाँ पे आपने पढ़ा ए और ओ, इसमें एक एक मात्रा लगी है लेकिन जो वृद्धि संधि, वृद्धि का मतलब होता है बढ़कर। ठीक है फ्रेंड्स, अभी आपने क्या पढ़ा, गुड़ स्वर संधि पढ़ा तो एक एक मात्रा पड़ी है ए और ओ की, वृद्धि संधि मतलब थोड़ा सा बढ़कर मतलब ए और ओ की मात्रा, ओ की मात्रा। ठीक है फ्रेंड्स, उदाहरण के तौर पर जो है एक एक कै में, क में क्या लगी है, बड़ी बड़े ए की मात्रा या बढ़ करके या दो मात्रा आप कह सकते हो, सदैव में दो मात्रा, औषधि में दो मात्राएं। ठीक है फ्रेंड्स, ए या औ की मात्रा, ए औ की मात्रा। ठीक है फ्रेंड्स, दंतोष्टों में भी आपकी क्या है, औ की मात्रा। तो ये है आपकी ऑसम ट्रिक।
नेक्स्ट बढ़ते हैं फ्रेंड यर्स और संधि के पास में। यर्स और संधि में एक ट्रिक होती है, पूरे शब्द में देखो आपकी एक चीज़ लगेगी फ्रेंड। जो मैं डिस्कस किया हूँ काफ़ी सारे वो पे क्वेश्चन को लेके मैंने इसे सारी चीज़, तो लगभग लगभग सारे क्वेश्चन पे ये चीज़ अप्लाई हो रहा है। तो यर्स और संधि में जो ट्रिक है फ्रेंड्स, य र ल व, इन शब्द के पहले आपको एक शब्द आधा मिलेगा, जो भी शब्द होगा वो आधा मिलेगा। जैसे इत्यादि में, इत्यादि में आपका य शब्द है, इसके पहले आपको क्या मिला है, आधा त मिला है। अन्वेषण में मैंने जैसे बताया कि व के पहले क्या मिलेगा, आपको आधा शब्द मिलेगा। य में आधा शब्द मिलेगा, व के पहले आधा शब्द, मतलब ये जो चार वर्ड है य र ल व, इनके पहले आपको आधा शब्द मिलेगा। ये ट्रिक है आपकी यण स्वर संधि की, देख के ही ऐसे क्वेश्चन को आप सीधा टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड जो कि लास्ट आपका है अयादि स्वर संधि, कौन सा है, अयादि स्वर संधि। इसकी जो ट्रिक है मैं आपको बता देती हूँ फ्रेंड्स, इस ट्रिक में जो शब्द है अय अव आय आओ, इन सबसे से मिले के हों, मिलकर बने होंगे। और एक जो ऑसम ट्रिक है, एक जो ऑसम ट्रिक है उसमें यह है कि ज़्यादातर शब्द आपके अधिकांशतः तीन वाले शब्द मिलेंगे, ठीक है फ्रेंड्स, तीन शब्द वाले आपको वो मिलेंगे, तीन वर्ड वाले आपके शब्द मिलेंगे। चलिए फ्रेंड, जैसे मैंने बताया अय अव आय आओ, ये बेसिक कॉन्सेप्ट में भी है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं भवनम, भ में अ और आगे व, तो अव शब्द मिला यहाँ से, ऐसे आगे में है नायक, आय मिला यहाँ से, और पावक में आव मिला यहाँ से। तो ये थी फ्रेंड्स मोस्ट अवेटेड आपकी ऑसम ट्रिक, ठीक है फ्रेंड्स। काफ़ी सारे स्टूडेंट के डिमांड पे ये चीज़ मैंने बनाई है। अभ्यास प्रश्न में सारी चीज़ों को मैं बारी बारी से डिस्कस कर लेता हूँ फ्रेंड्स। तो चले फ्रेंड्स, अब टाइम होता है आपके अभ्यास प्रश्न को रिवाइज करने का, तो चले फ्रेंड बारी बारी से डिस्कस करते हैं इसको। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स वो है आपका सदाधन ईव, ठीक है फ्रेंड्स। सदाधन ईव बराबर क्या होता है, सदैव। फ्रेंड्स जो क्वेश्चन हमारे बनते हैं दो टाइप से बनते हैं, या तो आपको डायरेक्टली दे देगा सदैव में कौन सी संधि है, या उसको विच्छेद पूछ लेगा कि सदैव का विच्छेद कर, इसलिए मैंने विच्छेद करके भी बताया है ताकि आपकी दोनों चीज़ें क्लियर रहें, ठीक है फ्रेंड्स। और बेसिक जो कॉन्सेप्ट था, बेसिक जो वीडियो है उसमें भी मैंने ये सब सारी चीज़ें बताई, तो आपको बताना सदैव में कौन सी संधि है। तो तुरंत ट्रिक आपको काम याद आ रही है फ्रेंड्स कि दो मात्रा का होना या बढ़कर होना, बढ़कर होना मतलब वृद्धि करके होना, और यहाँ से हो जाएगी क्या आपकी वृद्धि स्वर संधि, यहाँ से हो जाएगी फ्रेंड्स आपकी कौन सी वृद्धि स्वर संधि, ठीक है फ्रेंड्स। ये देख सकते हैं आप यहाँ से, आगे डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट जो आपका है परधन उपकार, परोपकार, ठीक है फ्रेंड्स। एक यहाँ से देख सकते हैं आपको, आप तुरंत इसको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताएं, फिर मैं बताता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। इसकी जो ट्रिक आपने पढ़ी थी एक मात्रा का लगा होना, और आपने वृद्धि संधि के जस्ट पहले क्या पढ़ा था, गुण संधि, और उसमें एक मात्रा का उपयोग हुआ था। तो फ्रेंड्स ये जो परोपकार हो जाएगा उसमें क्या हो जाएगा आपका, एक मात्रा का लगा होना, दैट्स मीन क्या हो जाएगा, गुण संधि, ठीक है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर तीन पे, महाधन औषध मतलब महौषध, ये इसमें कौन सी संधि है। तो तुरंत आपके दिमाग में फिर से काम किया कि इसमें डबल मात्रा है या बढ़ करके मात्राएँ लगी हुई हैं, दो मात्राएँ लगी हुई हैं, औ की मात्रा लगी हुई, तीन चार में से कोई भी एक चीज़ आपके दिमाग में तुरंत स्ट्राइक करेगा। यहाँ से आप बता सकते हैं कि इसमें भी क्या है आपकी वृद्धि संधि है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, परमात्मा में कौन सी संधि है। तो ये होगा फ्रेंड्स आपका, देख के ही लग रहा है कि इसमें बड़ी बड़ा आ या बड़ा मात्रा लगा हुआ है, आ की मात्रा लगी हुई, परम धन आत्मा बराबर परमात्मा, इसमें जो आपकी संधि रही है वो दीर्घ संधि रही है। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, गंगाधन उदक बराबर क्या होता है, गंगोदक, इसमें जो संधि होगी आपकी फ्रेंड्स, फिर से आपको माइंड में स्ट्राइक किया होगा कि एक शब्द एक मात्रा लगी हुई है इसमें, या ए की मात्रा लगी या ओ की मात्रा लगी, तो यहाँ पे ओ की मात्रा लगी हुई है, और ये संधि हुई आपकी गुड़ संधि। नया धन अक नायक, ठीक है फ्रेंड्स, ये जो संधि विच्छेद है इसको भी आपको ध्यान रखना है, जितने भी इंपॉर्टेंट आए हुए एग्जाम में थे उसी को मैंने क्वेश्चन के फॉर्म में यहाँ पे रिपीट किया हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें नायका में अब आपको एक शब्द मिल रहा होगा आय, ठीक है फ्रेंड्स, आय, या तो जो मैंने ट्रिक बताई थी कि तीन शब्द वाला, तीन अक्षर वाला शब्द होगा, तो नायका में आपकी जो संधि होगी आपकी अयादि संधि होगी, यहाँ से आप इस चीज़ को देख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं, सुधन आगतम बराबर क्या होता है, स्वागतम, और तुरंत एक चीज़ आपको स्ट्राइक की फ्रेंड्स, य व र ल के पहले आधा शब्द का होना, जैसे कि फ्रेंड्स मैं बता चुका हूँ आपको य र ल व के पहले आधा शब्द का होना मतलब क्या हो जाए, यण स्वर संधि, क्या हो जाएगा, यण स्वर संधि। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, परमाणु में कौन सी संधि है, ठीक है, परम धन अणु कर सकते हैं आप, परमाणु, इसमें बड़ा मात्रा है, तो ये क्या हो जाएगी आपकी गुण संधि हो जाएगी, सॉरी दीर्घ संधि हो जाएगी। और आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, मतैक्य, ये जो इसमें डायरेक्टली मैंने क्वेश्चन को आपको पुट आउट कर दिया है, मतैक्य में जो संधि होगी वो कौन सी होगी,
तो मैं है कि आप मात्रा को देख के ही आप बता सकते हैं कि डबल मात्रा लगी हुई या बढ़कर मात्रा लगी हुई। तो बढ़कर मात्रा जहाँ लगती है वहाँ क्या होती है, वृद्धि संधि होती है। अत्यल्प में कौन सी संधि है, तो अभी अभी मैंने डिस्कस किया था फ्रेंड्स कि य व र ल के पहले, य व र ल के पहले अगर आधी मात्रा का यूज होता है तो वो सीधा सीधा आपका कौन सा हो जाता है, यण संधि हो जाता है। कौन सा संधि हो जाता है, यण संधि हो जाता है। आगे डिस्कस करते हैं फ्रेंड महेश महाधन ईस, ठीक है फ्रेंड्स, महाधन ईस में आपका कौन सा संधि होने वाला है, तो देख सकते हैं फ्रेंड यहाँ से केवल एक शब्द आपको दिखाई पड़ रहा है, सॉरी एक अक्षर दिखाई पड़ रहा है। और जैसे कि मैंने कई सारे वीडियो में दिखाया वो बताया कि अगर एक शब्द होता है तो उसमें कौन सी संधि होती है या एक मात्रा होती है, जिसमें मैंने बताया था एक ही मात्रा या तो ओ की मात्रा होगी, तो इसमें आपका होना है कौन सी संधि, गुड़ संधि। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप कि ये सभी वीडियो, ये वीडियो का जो ऑसम ट्रिक है फ्रेंड्स आपको समझ में आएगा। फ्रेंड्स अपने कमेंट, अपने सुझाव प्लीज़ कमेंट बॉक्स में टाइप करके ज़रूर बताएं, ताकि नेक्स्ट वीडियो में वो चीज़ें हम आपको इम्प्रूव करके दे सकें। फ्रेंड वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप कि आप सभी को ये पूरी ट्रिक बहुत पसंद आएगी। फ्रेंड्स ट्रिक पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को, और फ्रेंड्स जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो जो हमारा होगा कल का जो वीडियो होगा, एक वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ सितंबर महीने के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होंगे, टॉप 50 क्वेश्चन का जो आपका सेट बना रखा है मैंने, काफ़ी योजनाओं से लेकर नई नई योजनाएं या जो भी करंट अफेयर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ रहेंगे, यूपीपी सर वीडियो एग्जाम से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपके TET एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो के अपडेटेड नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन में प्रेस कर लें, ताकि अपकमिंग वीडियो आपको आसानी से सबसे पहले मिलते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।